हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। यस बैंक विस्फोटक खबर। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक की विस्फोटक खबर यहाँ पे आ चुकी है। जो यस बैंक 10,000 करोड़ की फंड राइजिंग करने वाला है, उसका दोस्तों यहाँ पे जल्द ही आउटकम निकलने वाला है। और यस बैंक ये फंड राइजिंग आपको पता है पहले से बता रखा है कि बैलेंस शीट को मतलब सही मेंटेन करने के लिए या बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने के लिए ये फंड राइजिंग कर रहा है, जिसमें दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस कैपिटल, ये इसमें दोस्तों एफपीओ के माध्यम से पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आएंगे, या इनकी सलाह से एसबीआई जो इसमें लीड रोल ले रहा है तो ये बैंक पार्टिसिपेट यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों और बताते हैं कि यहाँ पे जो तीन लोग इसमें सामने आ रहे हैं, लेकिन तीनों ने अपने नाम यहाँ पे हाइड रखे हैं। उन्होंने यहाँ पे बोला है कि हमारे नाम फिलहाल अभी हाइड रखी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यस बैंक की जो निगाहें टिकी हुई है 10,000 करोड़ पर टिकी हुई है, वो भी एफपीओ के माध्यम से ये पैसा जुटाने वाले हैं, जिसमें आपको बताया दिया कौन कौन से बैंक शामिल है। बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी, कोटक एंड एक्सिस कैपिटल मिल है। और यहाँ पे देखो फर्स्ट व्यक्ति यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि उनको यहाँ पे हाइड रखा जाए और वो जल्द ही यस बैंक का जो ये आउट लुक है जो यस बैंक का, वो बाहर इसी सप्ताह यानी जारी होने वाला है। और इसी सप्ताह जैसे जारी होगा तो यस बैंक 210,000 करोड़ रुपये बैलेंस शीट को सुधारने के लिए मिलने वाले हैं। तो बड़ी खबर यस बैंक के लिए, जिसे यस बैंक दोस्तों आगे शेयर के माध्यम से देख सकते हैं या बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से देख सकते हैं, यस बैंक यहाँ पे ग्रोथ करता हुआ नजर आ सकता है। तो यस बैंक जबरदस्त बिग ब्लास्ट खबर है। यस बैंक के दोस्तों यहाँ पे जो प्लान ये लॉन्च होने वाला है एफपीओ के माध्यम से, तो देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 करोड़ यस बैंक जुटाने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तीन पीपल यहाँ पे दोस्तों इसमें शामिल है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट पीपल ने यहाँ पे कहा भी है कि मुझे यहाँ पे फिलहाल हाइड रखा जाए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें आपको पता है लीड रोल ले ही रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ देखिए देख सकते हैं स्टेट फर्स्ट पर्सन देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने अपने आप को बोला है कि अभी फिलहाल वो इस कंडीशन में है कि वो उनको हाइड रखा जाए, नाम ओपन नहीं किया जाए। तो ये जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले जो रीड रोल ले रहे हैं थर्ड यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, उसके अलावा बैंकों के नाम तो यहाँ पे दे ही दिए हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि यस बैंक में यहाँ पे जो ये सारे जो बैंक शामिल है, ये सारे बैंकों के माध्यम से ये पैसा जो आने वाला है, उस पैसों के माध्यम से यस बैंक की जो इक्विटी है, लिक्विडिटी है, ये सारी सुधरती नजर आएगी। इसका जो नॉन एसेट्स है, जो कहना इसका एनपीए है जो ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, वो भी सुधरते हुए नजर आएंगे। ये मेन मोटी मोटी खबर यह है। ये उसके बाद में नीचे यहाँ पे सारी बातें दी गई है इसी के माध्यम से देख सकते हैं। लास्ट मंथ में कोटक बैंक ने भी यहाँ पे क्यूआईपी के माध्यम से 7,500 करोड़ रुपये जुटाए थे। उसके अलावा आईसीआईसी बैंक ने भी देख सकते हैं अभी कुछ ही मंथ पहले ही देख सकते हैं 2,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। इसी प्रकार अलग अलग कंपनियाँ पैसा जुटाने पर लगी हुई है। यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी दिया है, देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा और श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी पैसा जुटाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यस बैंक क्यों नहीं पैसा जुटाएगा, तो यस बैंक भी दोस्तों पैसा जुटाने में यहाँ पे लगे हुए हैं। और सेबी के रूल्स के अनुसार देख सकते हैं सेबी जो यहाँ पे डिसाइड करेगा कौन से रूल्स के अनुसार पैसा जुटाएंगे, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे उसके अलावा दोस्तों यस बैंक का पिछला वही वापस वही मैटर आ चुका है, 10,000 करोड़ रुपये यहाँ पे निवेश किए थे और एसबीआई आई थी, सारे यहाँ पे जो लोग यहाँ पे मिलकर पैसा लगाए थे, यस बैंक को बचाया था, वो कितने कितने परसेंट की यहाँ पे होल्डिंग रखी गई थी, 48% की यहाँ पे होल्ड रखी है, स्टेक लिए हुए हैं, सारी पुरानी बातें हैं। फिलहाल मेन बात यह है कि यस बैंक की विस्फोटक खबर है कि इसी सप्ताह यस बैंक में 10,000 करोड़ रुपये आ सकते हैं, जो कि ये आउटकम जल्द ही बाहर आ सकता है, क्योंकि यस बैंक ने ये आउटकम जारी कर दिया है। और जल्द ही दोस्तों जो लोग यहाँ पे हाइट है, उन्होंने कहा है कि हम जल्दी इसको ये पूरा क्लियर करके और एक इसी सप्ताह आउटकम जारी करने वाले हैं, जिसके माध्यम से यस बैंक को जल्द से जल्द पैसा मिल सके बैलेंस शीट सुधारने के लिए। तो ये दोस्तों यस बैंक के लिए विस्फोटक खबर है जो आपके सामने मैंने शेयर की है। और आज के यहाँ पे काम की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं किसी भी कॉल्स में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, जबरदस्त टू डे बिग प्रॉफिटेबल कॉल्स, आपको 3 शॉर्ट कॉल दी गई थी एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, तीनों की 100% वेरी बिग प्रॉफिटेबल कॉल्स, और पूरे काम में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, जबरदस्त यहाँ पे धमाका हुआ है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी की अगर बात करें, देख सकते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी देख सकते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी की आपकी यहाँ पे 2 कॉल दी गई थी, देख सकते हैं टू डे, आपको फटाफट बता टू डे देख सकते हैं टू डे ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी की कॉल दी गई थी आपको 21,400 का टारगेट, 21,500 का टारगेट, दोनों टारगेट सक्सेसफुल, और 21,500 के ऊपर भी निकला, 600 भी निकला बैंक निफ्टी। निफ्टी देख सकते हैं 10,210 करंसी थी, 10,250 का टारगेट, 10,300 के आसपास बैंक निफ्टी गया है, 250-270 का भी पूरा यहाँ पे टारगेट कंप्लीट देखने को मिला है। तो वेरी बिग प्रॉफिटेबल कॉल्स आपको यहाँ पे मिली है, जबरदस्त धमाका दोस्तों आपने यहाँ पे धमाके के साथ पैसा कमाया है। तो दोस्तों जो भी सजन इंटरेस्टेड है यहाँ पे अपने चारों को चलते हैं, आपको बता दिया बैंक निफ्टी निफ्टी कमोडिटी केस मार्केट इंट्राडे और डिलीवरी कॉल ग्रुप भी चलता है। तो एक दिन की गाइडलाइंस फॉलो करके आपको मैं ऐड कर लूँगा और पूरी मन दोस्तों आप फ्री सेवा यहाँ पे पा सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।